ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स माइनस वन टू पावर वन बाई थ्री ऑन जीरो टू वन। सो क्या किया हमने, पहले तो डिफ्रेंशिएट किया इसको। सो एफ डैश अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आएगा वन बाई थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू बाई थ्री माइनस यहाँ भी वन बाई थ्री आएगा एक्स की पावर माइनस टू बाई थ्री। सो एरिया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए हमने डिवाइड एक्स जीरो किया, तो जैसे ही जीरो किया हमने एफ डैश, सो हमारे पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स प्लस वन की पावर टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर टू। सो यहाँ से और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ से अगर देखो तो मेरे पास जो एक्स आएगा एक्स विल बी जीरो। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो मेरे पास एक्स जीरो आएगा। सो क्या हो रहा है, एक्स जीरो पे होगा या तो मिनिमा या मैक्सिमा आएगा। अब चेक करते हैं जीरो जो मिनिमा है मैक्सिमा है, उसके लिए क्या हमने किया, जो डबल डिफरेंशिएट किया, तो डबल डिफरेंशिएट जैसे किया हमने डबल डैश, तो ये हमारे पास आएगा माइनस टू बाई नाइन इंटू एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस फाइव बाई थ्री, और ये बन जाएगा टू बाई नाइन इंटू एक्स माइनस वन की पावर माइनस फाइव बाई थ्री। अब जैसे ही हमने एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा, तो एक्स इक्वल्स जीरो रखा हमने तो हमारे पास आएगा, इसको देखो तो मेरे पास क्या आएगा माइनस टू बाई नाइन, और यहाँ पे जीरो रखा मैं तो मेरे पास ये भी आएगा क्या माइनस टू बाई नाइन। सो ये बेसिकली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। सो क्या लिख सकता हूँ मैं कि ये एक्स इक्वल्स टू जीरो जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर हम वैल्यूज निकाल ले रहे हैं वाई की, वही हमारा मैक्सिमम होगा। सो अगर मैं देखूँ तो मेरा जो वाई आएगा, वाई दैट इज जैसे हमने कहा कि एक्स इक्वल्स टू जीरो की वैल्यूज पुट किया फंक्शन में, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ जीरो, और ये हमारा मैक्सिमम भी होगा, इसको मैं वाई मैक्स लिख देता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आएगा वन, और इसमें जीरो जैसे ही पुट किया हमने तो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ माइनस वन। सो जो हमारे पास वाई मैक्सिमम आएगा दैट विल बी टू। सो अपना आंसर आएगा बी। थैंक यू।